नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं नाला सुपारा में वसई विरान महानगर पालिका प्रभाग समिति ई के बाहर, जहाँ आप हमारे पीछे देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है भव्य जल आक्रोश मोर्चा का। आज यहाँ एक बड़ा मोर्चा पानी के विषय को लेकर आया था, जिसमें खुद पालकर के सांसद राजेंद्र गावित शामिल हुए थे और कई सामाजिक और राजनीतिक लोग यहाँ शामिल हुए थे। एक बार फिर वही वसई विरार अंतर्गत हर थोड़े दिनों में मोर्चे होते ही रहते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन पानी का विषय ऐसा है कि कई बार कई मोर्चे होने के बावजूद लोगों को यहाँ का पानी मयस्सर नहीं है, लोग पानी के लिए आज भी उतने ही परेशान हैं। कहीं ना कहीं यह सीधे तौर पर पानी की कमी हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह टैंकर लॉबी को फ़ायदा पहुँचाने की एक कवायद भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें वसई विरार महानगर पालिका पूरी तरह से शामिल है। हालांकि पानी की कुछ कमी भी हो सकती है और उसकी तैयारियां अब आने वाले समय में सूर्या डैम से जो होने वाली है वो तैयारियां हो चुकी है और पानी अब शहर को मिलने वाला है। लेकिन फिर सवाल वही है कि कब मिलेगा, ये फिलहाल देखना बाकी है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्या डैम से जो नई पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है वो लगभग अपने अंजाम तक पहुँच चुका है, लेकिन क्या यहाँ भी फिर उसको शुरू करने में राजनीति या श्रेय लेने का चलते लोगों को पानी समय पर मिल पाएगा या नहीं, ये सवाल अभी भी है। आज के इस मोर्चे में हमने खुद राजेंद्र गावित से बात की, आप आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता मयूरेश वाघ, उनसे बात की, वो आप आगे देखिए वीडियो में। आपको एक बात बता दें जाने से पहले कि राजेंद्र गावित ने खुद ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं पानी की कमी जो है वो प्राकृतिक नहीं होकर कृत्रिम कमी है और कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से इन टैंकर माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने यहां लोगों के साथ छल किया जाता है। इस समय हम खड़े हैं नाला सुपारा में, आज पानी को लेकर यहां एक बड़ा मोर्चा निकला है। इस समय हमारे साथ पालघर के जिला सांसद राजेंद्र गावित जी है, उनसे मुलाकात करते हैं, क्या है मामला? देखिए, कई सालों से यहां से नगर पालिका से लेके ग्राम पंचायत से लेके महानगर पालिका से लेके जिस तरह से इसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रोविजन करना चाहिए, आखिर जितनी आबादी बढ़ रही है वो आबादी देख के उसका नियोजन होना चाहिए। दुर्भाग्य से वो नियोजन न होने के वजह से आज सूर्या का मतलब आज लोगों को 8-8 दिन पानी नहीं मिल रहा। किसके टैंकर लाबी जो है वो टैंकर लाबी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। इसलिए आज राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने MMRDA के थ्रू 185 MLD पानी जो है वसई विरार महानगर पालिका को मिल रहा है। मुझे होप से अधिकारियों ने भी बोला है कि 15 या 20 दिन के अंदर वो स्टार्ट करेंगे, और ताकि लोगों में जो जन आक्रोश है उस जन आक्रोश के लिए लोग स्वयंपूर्त के तौर पर लोगों ने मोर्चे में शामिल हुए। सर, इतना समय होगा, 30 साल की एक सत्ता है, उसके बावजूद लोगों को इस तरह से मोर्चे निकालने पड़ते हैं, आप खुद उस मोर्चे में शामिल हुए, क्या कहने चाहेंगे इस मोर्चे के बारे में? नहीं, देखिए क्या कि लोगों का मतलब अनरेस्ट है, मतलब बस और संतोष है, जन आक्रोश है। देखो, पानी क्या है कि एक पवित्र काम है, उस पवित्र काम में जो पॉलिटिक्स जो अभी तक खेला गया वो हम बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, टैंकर लॉबी के बारे में क्या कहें? वो टैंकर लॉबी हम बंद करने का कोशिश कर रहे हैं बस। इस समय हमारे साथ मौजूद है मयूरेश वाघ जी, जैसा इनका नाम है जैसा इनका काम है, फिलहाल इनकी ललकार वाघ की जो दहाड़ होती है उसी की गूंज पूरे जंगल में घूमती है। तो यहाँ वसई विरार में आज एक ही दहाड़ गूंज रही है, मयूरेश वाघ। पिछले कुछ महीनों में मयूरेश वाघ का यह आज तीसरा मौका है जब इन्होंने एक बड़े मोर्चे का आयोजन किया, और यहाँ पर पानी हक समिति और इनकी एक संगठना है परिवर्तन संगठना, उनके दोनों के बैनर तले इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को एक साथ एकजुट किया है जो शायद ऐसा एकजुट ना हो। तो सीधे मुलाकात करते हैं। मयूरेश जी नमस्कार। यूसुफ भाई नमस्कार। मैंने अभी इंट्रोडक्शन में ही कहा है, जैसा आपका नाम वाघ वैसा ही वाघ की गर्जना काफ़ी है, क्या कहना चाहिए? ये गर्जना लोगों के लिए है, लोगों की आवाज़ के लिए, लोगों के हक के लिए, लोगों के अधिकार के लिए। और ये गर्जना जब होती है तो सब हिलते हैं, आपने देखा रहेगा विरार के मोर्चा में। और ये गर्जना सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, किसी को सुनाने के लिए नहीं है, अपना अधिकार और अपना हक पूरा करने के लिए है। और ये हक पानी का मूलभूत हम मांग रहे हैं, जो हम लेकर रहेंगे और वो पूरा होने के हम बहुत नज़दीक आ गए हैं। मोर्चे की बात करो, इसके पहले एक सामान्य सा दूसरा क्वेश्चन है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है वो करना चाहूँ, क्या मयूरेश वाघ आने वाले समय में वसई विरार के नगर सेवक है? नहीं, मैं जनता का सेवक हूँ। नगर सेवक बनना या आमदार बनना, बहुत लोग कुछ बोलते हैं कि इसको चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ना है, इसको महानगर पालिका का चुनाव लड़ना है। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव जीतना या नहीं जीतना ये तो वक्त की बात है, लेकिन लोगों के दिल को जीतना है, और वो लोगों के दिलों को मैंने जीत लिया है, इसलिए लोग इतने मेरे साथ खड़े रहते हैं। और एक मैं हर बार कहता हूँ, अगर जीतना कुछ है
तो लोगों के दिलों को जीतो, वरना पूरी दुनिया जीत के सिकंदर खाली हाथ गया था। तो हम लोगों के दिलों को जीतने का मकसद लेकर निकले हैं। आज का विषय पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, पानी की जो किल्लत वसी विरार में है। पिछले कई सालों से महानगर पालिका को स्थापन हुए हुए महानगर पालिका की स्थापना को परसों ही 3 जुलाई को 14 साल पूरे हो गए, लेकिन पानी की किल्लत महानगर पालिका दूर नहीं कर पाई। और इसके लिए विरार में अप्रैल में सबसे बड़ा विरार वेस्ट में मोर्चा निकला, उसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे मेरे नेतृत्व में। विरार ईस्ट में जो फुलपाड़ा में मोर्चा निकला, उसमें कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग मेरे नेतृत्व में, सामान्य से सामान्य जनता, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर एक तबके का आदमी और हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ आदमी पानी के लिए मोर्चा के लिए आया था। आज नाला सोपारा ने चित्र देखा कि नाला सोपारा की जनता भी जाग चुकी है और नाला सोपारा में भी एक विराट जला आक्रोश मोर्चा आज देखने को मिला, उसके साक्षीदार आप खुद बने। MMRDA की जो योजना है जिसका भूमि पूजन 2017 में राज्य के उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब के कर कमलों द्वारा किया गया था, उस योजना का काम 100% पूरा हो गया है और उस योजना से 185 MLD पानी वसई विरार को मिलने वाला है। मैं आपसे विनती करूंगा, ये पानी का जो फुटेज रहेगा, ये जो रहेगा वो ज़्यादा चलाना, 185 MLD से 15 MLD पानी ये रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण एरिया के लिए रखा जाएगा और 170 MLD पानी वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र को मिलने वाला है। उसमें से 80 से 90 100 MLD पानी अभी आने वाले कुछ दिनों में 8-10 दिन में काशीद कोपर जलाशय से विरार में आ जाएगा। महानगर पालिका पानी लेने को तैयार है, चूँकि ये MMRDA की योजना है, MMRDA का खर्चा है, गवर्नमेंट का खर्चा है, MMRDA की पूरी पाइपलाइन, जल शुद्धिकरण केंद्र, उदंचन केंद्र, MBR मतलब जलाशय, वो 100% काम पूरा हो गया है MMRDA का। और वो MMRDA का वॉशिंग का काम चल रहा है, टंकी वॉशिंग का, पाइपलाइन वॉशिंग का, वो सब काम टेस्टिंग का हो गया है, उन्होंने लिखित में मुझे दिया है। तो वो अब पानी आ रहा है, वो पानी अब शहर में जब आएगा तो नया नल कनेक्शन देने को भी स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा प्रॉमिस हमको महानगर पालिका के कमिश्नर ने किया है। और वो पानी जब आएगा तो वसई विरार में 16 टंकी पूरी नई बनी है अमृत योजना के तहत, वो 16 टंकी भरी जाएगी और वो 16 टंकी में से पूरे शहर में पानी मिलेगा और इक्वली सबको मिलेगा, कोई एरिया में ज़्यादा नहीं, कोई एरिया में कम नहीं, और ये जो पानी की जो किल्लत है वो दूर होगी, ऐसा मुझे भरोसा है, उम्मीद है, विश्वास है। आप जो दावा कर रहे हैं कि आने वाले समय में पानी की पूर्तता होगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर टैंकर लॉबी का क्या होगा? नहीं, टैंकर लॉबी क्या बोलूं, मतलब मैं टैंकर लॉबी होनी नहीं चाहिए, उसी टैंकर लॉबी के चक्कर से ही देखो अस्पताल खुलते, क्लिनिक खुलते तो कोई हम बोलते हैं क्या कि किसी को जाना पड़े, तो टैंकर किसी को मंगाना ही नहीं पड़े। हमने घोषणा की है टैंकर मुक्त वसई विरार, इसका मतलब ये नहीं कि टैंकर वाले जो व्यावसायिक है कुछ अच्छे भी रहेंगे, कभी कभी टैंकर की ज़रूरत भी पड़ती है, पर रोज़ टैंकर मंगाना पड़ा ये कौन सी बात है? कभी कभार हम मीठा खा लेते हैं पर रोज़ मीठा खाते हैं क्या? तो टैंकर लोगों को मंगाना नहीं पड़े। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है हर घर नल और जल जीवन मिशन, उनका मिशन है, तो हर को सबको पानी है, मूलभूत अधिकार है, पानी है, जल है तो कल है, और जल है तो जीवन है, तो पानी सबको मिलना चाहिए। और महानगर पालिका टैक्स लेती है तो सबको पानी नल द्वारा शुद्ध पानी मिले, ये हमारा प्रयास है और इसके लिए हम लड़ रहे हैं। टैंकर वाले की यहाँ बात क्या आती है, जब महानगर पालिका का पानी आएगा तो टैंकर मंगाना, टैंकर की आप छुट्टी होने वाली है। आपका जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया तो उस इंट्रोडक्शन में एक अहम चीज़ मैंने नहीं बताया था, ठीक है, अब वो बताऊंगा और उसके साथ में मेरी क्या भावना है वो बताना चाहूँगा। जी जी बताइए। आप सामाजिक कार्यकर्ता है और कुछ संगठन के पदाधिकारी है, लेकिन उससे पहले एक पत्रकार रह चुके हैं। पत्रकार हूँ अभी भी। हाँ। अभी भी हो, लेकिन सक्रिय पत्रकारिता कम करते हैं, पत्रकार रह चुके हैं, इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ किया। अगर हम पत्रकारों के बीच में से कोई एक पत्रकार महानगर पालिका में नगर सेवक चुन के जाता है तो उसकी खुशी सबसे ज़्यादा तो हम पत्रकारों को ही होगी। इसके लिए मैंने आपको पहला सवाल ये पूछा था, क्या आने वाले समय में मयूरेश बाग नगर सेवक होगा क्या? देखो मैं बहुत दूर की नहीं सोचता, जब वक्त आएगा
तब इसका निर्णय लिया जाएगा, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अभी लोगों के समस्या को हल करना, लोगों की बहुत उम्मीद है मेरे से। जिस तरीके से आपने देखा रहेगा कि अपार जन समर्थन, साथ लोगों का प्यार, और जिस तरीके से लोग मेरे साथ खड़े रह रहे, चाहे नालासोपा विरार में तो आप देखेंगे तो विरार में अपार जन समर्थन है, अब तो नालासोपारा के लोग भी बुला रहे, वसे के लोग भी बुला रहे। तो लोगों का ये प्यार और ये उम्मीद जो है, लोगों की आशा अपेक्षा है, उसको पूरी करना, ये मेरी प्राथमिकता है। नगर सेवक बनना, विधायक बनना या कोई कुछ बनना, ये मेरे डोमेन में नहीं है। इसके लिए अगर मुझे राजनीति करनी रहती तो मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी में जाके कोई पोस्ट लेके मैं डिक्लेयर कर देता कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ने वाला हूँ, या मेरी मंशा नगर सेवक बननी है, आमदार बननी है, या कुछ और बनने की है। मेरी मंशा सिर्फ और सिर्फ लोगों की प्राथमिकताओं को पूरा करना, लोग जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे, वो अधिकार को जो संघर्ष कर रहे, उनको संघर्ष में सहयोग करके उनको विजय के रास्ते तक लेकर जाना, यही मेरी प्राथमिकता है। बाकी आप जो बोल रहे चुनाव, नगर सेवक, बाकी कोई पार्टी पोजीशन, ये मेरे डोमेन में भी नहीं है। एक आखिरी सवाल, आज के इस मोर्चे में और आज के पहले के मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियों का सहयोग था, और ये किस पार्टी के बैनर तले था या कैसा था? सच बोलूँ तो अब ये वीडियो सब लोगों ने पूरा देखना चाहिए। पहला जो मोर्चा निकाला था वो खुद मैंने निकाला था, कोई पार्टी का उसमें सहयोग नहीं था। परिवर्तन नियम में और मयूरेश बाग मित्र मंडल, उसने विरार वेस्ट में मोर्चा निकाला था, कोई पार्टी का उसमें सहयोग नहीं था। ईस्ट में जो मोर्चा निकाला अभी, वो मैंने पहले डिक्लेयर किया था, मैंने वहाँ 10-12 मीटिंग भी ली थी फुलपाड़ा मनवेलपाड़ा में, और ईस्ट में उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय माजी नगर सेवक है सुदेश चौधरी, उन्होंने समर्थन दिया था। तो फिर मेरे और उनके नेतृत्व में, मेरे नेतृत्व में उनके सहयोग से वैसा मोर्चा निकला था। यहाँ नालासोपारा में भी मोर्चा की संकल्पना और पूरा नियोजन मैंने किया। हाँ, पर नालासोपारा में मुझे शिंदेगढ़, जो शिवसेना शिंदेगढ़ है, उन्होंने सपोर्ट किया। और आमतौर पर जनता है, कई सारी संगठना है, सब लोगों ने सहयोग किया, जनता ने सहयोग किया, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई आता नहीं, क्योंकि पानी और बिजली तो सबको लगती है, उसमें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी आती नहीं है कि भाई ये कांग्रेस वाला है इसको पानी नहीं देने का, ये बीजेपी वाला है इसको पानी देने का। तो ये तो बुनियादी जो मूलभूत अधिकार है, उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी आनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा खुद का कहना है। यहाँ नालासोपारा के मोर्चा में भले ही मैंने नेतृत्व किया रहेगा, लेकिन इसमें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, अग्री सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सभी के थोड़े थोड़े कार्यकर्ता थे और जनता थी। मैं सबसे अगर किसी को मानता हूँ तो जनता को मानता हूँ, जनता ही मेरे लिए जनार्दन है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि माननीय सांसद महोदय खुद भी, मैं वो उस पर आ रहा हूँ, मैं अपने पॉलिटिकल पार्टी का सवाल किया इसके लिए मैं वो पूरा करके बोल रहा था। इस सबसे ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा लाख लाख धन्यवाद मैं किसी को देना चाहता हूँ तो राजेंद्र गावित जो सांसद है और मेरे बहुत निकट के मेरे नेता है और मेरे निकट के, हम एक दूसरे के सहयोगी रहे इतने सालों से, तो राजेंद्र गावित जी का पूरा साथ, समर्थन और सहयोग मुझे हर बार रहता है। विरार के मोर्चा में भी वो आए थे और उन्होंने इस मोर्चा में भी उनको जब मैंने बोला कि भाई मैं गावित साहब, मैं ऐसा ऐसा मोर्चा निकालने नालासोपारा जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे पूरा समर्थन दिया और वो खुद मोर्चा में सम्मिलित हुए और स्टार्ट से एंड तक आए। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि पानी आने तक, जब तक हम संघर्ष करेंगे तब तक वो हमारे साथ रहेंगे, और उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और उनका सहयोग हर बार रहता है। और सांसद तो है, सत्ता पक्ष के सांसद है, लेकिन जनता में रहने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले, हमारे कंधे से कंधा लगा के वो चलते हैं, हम उनके साथ उनके कदम से कदम मिला के चलते हैं। तो ये हमें ऐसा ही सांसद चाहिए जो जनता के बीच रहे, और इसके लिए वो आए, उनको दिल से, दिल के गहराइयों से मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ। और नालासोपारा के जितने लोग आए, सबको मैं सबके आभार प्रकट करता हूँ, और पानी आने तक हम शांत नहीं बैठेंगे, इतना वचन देता हूँ। तो हम मयूरेश बाग जिसे बात कर रहे थे, इन्होंने कड़े शब्दों में यही कहा कि पानी आने तक हम शांत नहीं बैठेंगे, और कहीं ना कहीं पूरे इस मोर्चे की रूपरेखा बताई, अपना पूरा इंट्रोडक्शन दिया, और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आज फिर एक बार एक सफल मोर्चा यहाँ निकला है, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उस मोर्चे का ज़रूर प्रभाव दिखाई देगा, और लोगों की बुनियादी ज़रूरत जो पानी है, वो लोगों को अपने हक का पानी ज़रूर मिलेगा, ऐसी आशा व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए अभी इतना ही। वसई नालासोपारा से यूसुफ अली। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।